हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फूड कॉर्नर पर। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी और टेस्टी चिली सोया की रेसिपी। मैं इसकी रेसिपी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो के रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन को भी ऑन रखें। तो चलिए बिना किसी देरी के ये टेस्टी चिली सोया बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें कढ़ाई लेंगे और उसमें लगभग 4 कप पानी डालेंगे। अब इसी में हम आधा चम्मच नमक डालेंगे और पानी में एक उबाल आने तक का वेट करेंगे। अब आप देख सकते हैं पानी में एक उबाल आ चुका है। अब हम इसमें 2 कप सोयाबीन डालेंगे और इसे लगातार चलाएंगे। हमें इसे तब तक चलाना है जब तक सोयाबीन पूरी तरह से फूल ना जाए। इसे चलाते हुए हमें लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं सोयाबीन अपने नॉर्मल साइज से 2 गुना बड़ी हो चुकी है। इसका मतलब अब हमारी सोयाबीन अच्छे से उबल चुकी है। अब हम इसे फ्लेम पर से हटा देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। सोयाबीन अब पूरी तरह से ठंडा हो चुकी है। अब हम इसका सारा पानी निचोड़ देंगे और उसके बाद इसे एक बाउल में रखेंगे। आप इसका पानी अच्छे से निचोड़ें, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अब हमने सारे सोयाबीन का पानी निचोड़ दिया है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसी में अब हम आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और चलते हैं इसकी सॉस बनाने के लिए। अब हम उसी कढ़ाई में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे। रिफाइंड ऑयल अब गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप हरी प्याज डालेंगे और इसे सुनहरा होने तक लगातार चलाएंगे। हमने यहाँ पर हरी प्याज के सिर्फ सफ़ेद वाले पार्ट का यूज़ किया है। आप चाहें तो उसके हरे पार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब प्याज हमारी सुनहरी हो चुकी है। अब हम इसमें 4 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसी में अब हम 1 कटा हुआ शिमला मिर्च डालेंगे। हमने यहाँ पर 3 कलर की शिमला मिर्च का यूज़ किया है। आप चाहें तो नॉर्मल हरी शिमला मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच सिरका, 2 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस, 2 चम्मच चिली सॉस और 2 चम्मच सोया सॉस डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है। अब आप देख सकते हैं इसमें से धुआं उठने लगा है। अब हम इसमें सोयाबीन डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे जब तक सारी सॉस अच्छे से इस पर कोट ना हो जाए। ये जो रेसिपी हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ही हेल्दी है, प्लस बहुत ही इजी है। इसमें ऑयल का भी बहुत कम यूज़ है, प्लस इसमें आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसमें से बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है और ये देखने में भी कमाल का लग रहा है। अब हम इसे सर्व करेंगे और उसके बाद इसे थोड़ी हरी प्याज से गार्निश करेंगे। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है। आप इस वीडियो को भी प्लीज़ लाइक करें, हम ऐसे ही न्यू न्यू वीडियो लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।